छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में वन्य जीव ने अपनी ममता की मिसाल पेश की। दर्री गांव में रहने वाले राम जतन कुशवाहा के घर 3 भालू घुस आए थे। वहीं ग्रामीण ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग ने भालू के बच्चे को पिंजरे में कैद कर लिया। अपने बच्चे को छुड़ाने माँ ने पिंजरे के सामने डेरा डाल दिया और वो करीब 8 घंटे से पिंजरे के सामने बैठी रही, जिसमें माँ की ममता को देखते हुए वन विभाग भी भालू के बच्चे को छोड़ने पर मजबूर हो गया। यहाँ पे 3 भालू थे, जिसमें से एक बच्चा हम लोग के द्वारा, मतलब जो पिंजरा लगाया गया था उसमें फंसे हुए थे। हम लोग का एक्चुअल में उसके माँ को मतलब रेस्क्यू करने का मतलब था, उसके साथ में बच्चे को साथ में, लेकिन मादा जो है अभी बच्चे को छोड़ नहीं रहा है, जिसके वजह से हम लोग को उसको मैंने अभ्यारण्य क्षेत्र में ले जाने के लिए हम नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोग उसके अभी बच्चे को फिलहाल अब मुक्त किए हैं। अभी हम लोग मतलब भोर 4 बजे से हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। अब स्थिति रही ये है कि अभी हम लोग इसको वॉच करेंगे, अब मतलब आज कोशिश करेंगे कि हम इसको मतलब जंगल की तरफ आगे बढ़ाने के लिए। आपको बता दें, पिछले 1 महीने से नगर और उसके आसपास 3 भालुओं ने अपना आतंक फैलाया। 3 दिनों से राम जतन के घर के आसपास उक्त भालू देखे गए थे, लिहाजा सुबह घर के लोग बाड़ी में भालू देख फॉरेस्ट को सूचना दी, जिस पर तत्काल फॉरेस्ट कर्मी पिंजरा लेकर पहुंचे और भालू के बच्चे को पिंजरे में कैद कर लिया। वहीं से छुड़ाने उसकी मां ने डेरा डाल दिया, जिससे वन विभाग सहित लोगों की मुसीबत बढ़ गई। हालांकि अंत में वन विभाग को बच्चे को पिंजरे से आजाद करना पड़ा।